लोग सरकार से नाराज होते हैं, नाराज होने पर अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर वही विरोध प्रदर्शन कानूनी हदों से बाहर निकलकर अपराध की श्रेणी में आ जाए तो लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है। मामला आगरा का है। विश्व धरोहर ताजमहल को बम से उड़ाने की खबर एक युवक ने फोन पे दे दी। खबर लगते ही ताज महल के अंदर हड़कंप मच गया। अनफन में ताजमहल को खाली करवाया गया। पूरे ताजमहल को खाली करने के बाद पुलिस खोजबीन में लगी, लेकिन खोजबीन में क्या निकला, ताजमहल में बम की खबर फर्जी थी। गिरफ्तार युवक ने नौकरी न मिलने से आहत होकर ये सूचना दी थी। गिरफ्तार युवक सैनिक भर्ती रद्द होने की वजह से नाराज था। पुलिस सर्च और बीडीएस की टीम को कोई भी विस्फोटक सामग्री या बम आदि नहीं मिला। ताजमहल के दोनों पश्चिमी और पूर्वी गेटों को जांच करने के बाद खोल दिया गया। पूरे मामले में अफवाह फैलाने को लेकर अधिकारियों ने पुष्टि भी कर दी है। कॉल ट्रैकिंग के आधार पर युवक की पहचान कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि देश तो क्या विदेश और दुनिया के कोने कोने से ताजमहल देखने विदेशी पर्यटक हर साल आते हैं। हजारों पर्यटक एक ही समय में ताजमहल में मौजूद होते हैं। इस तरह की हवाएं फैलाकर हमारे देश की छवि को किस तरह से नुकसान पहुंचाने का ऐसे लोग कार्य करते हैं, इस पे पुलिस को गंभीरता से विचार कर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वेंकट सर, क्या है पूरा मामला? आज सुबह डायल 100 के द्वारा एक सूचना मिली है कि इस तरह से बॉम्ब स्केयर मिला है ताजमहल के पास, तो तत्काल पुलिस और CISF मौके पर पहुंच गए हैं और तस्दीक करने पर यह पता चला है कि ये फेक कॉल है। तो और फिर भी कंफर्मेशन है तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आगरा पुलिस और CISF का ओन सेटअप, इसमें और बारीक बारीक से चेक किया जा रहा है और इस तरह से कोई बात नहीं है। सूचना क्या थी सर, सूचना क्या मिली थी? तो सूचना तो हम अभी और गहराई से चेक करेंगे, मैं अभी पहुंचा हूं और बिल्कुल क्या पता चल पाए सर, कौन था व्यक्ति, किसने सूचना दी, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है, हम बिल्कुल बता रहे हैं, कन्फर्म करेंगे जी। ये केवल वो फोन कॉल है तो हम चेक करना पड़ेगा और कन्फर्म करेंगे। कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियों को सर लगाया गया था फोन आने के बाद? CISF है, यहाँ ऑलरेडी मौजूद रहती है, और आगरा पुलिस का जो ताज सुरक्षा है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और डॉग स्क्वाड भी मौजूद है, तो चेक किया जाएगा। फिलहाल सर क्या स्थिति है, फिलहाल क्या स्थिति है? सिचुएशन नॉर्मल है, अभी कोई डरने की बात नहीं है, फेक कॉल है और अब टूरिस्ट को भी धीरे धीरे अंदर किया जाएगा। कितनी देर तक सर सर्च ऑपरेशन लगभग चला हुआ ताजमहल के अंदर सर? अभी लगभग सुबह जब से सूचना मिली है अभी तक चली रहे, अभी भी जारी है, तो और गहराई से चेक कर जब 100% कंफर्म कर लेंगे इसमें। और तो सर एंट्री अभी दी जाएगी या मतलब अभी रुका जाएगा? अभी हम बात करेंगे एक बार, वो CISF का कॉल है, वो लोग अपना डिसीजन ले लेंगे। ठीक, हम अपना बता दीजिए। सुनीता जी, कब से आप लोग ताजमहल आए हुए हैं और क्या स्थिति है अभी? हम लोग 9:30 बजे से यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें एंट्री अंदर नहीं मिली है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली हमें। शिवशंकर अग्रवाल। शिवशंकर जी कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। अच्छा, कब कितने बजे से आप ताजमहल आए हैं? 9:30 बजे ताजमहल पहुँच गए थे हम लोग, हरिद्वार से पहले कुंभ स्नान करने के बाद। क्या क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ यहाँ? 9:30 बजे से वेट कर रहे हैं, बस बताया गया कि थोड़ी देर में खुलेगा, एक घंटा बात करके, एक घंटा करते काफ़ी देर हो गया और ऐसा लगा बहुत समय भीड़ था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब भीड़ भी छटने लगी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, क्या कोई मतलब जानकारी नहीं है। नाम अशरफ है मेरा। अशरफ, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। बाहर क्यों खड़े, अंदर क्यों नहीं जा रहे? पता नहीं क्यों, एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, टिकट ले लिया है और अंदर से बाहर निकाल दिया। क्या कुछ बताया क्यों निकाला बाहर? कोई रीज़न नहीं दिया इन्होंने। तो जब बाहर निकाला तो आप अंदर ही थे? अंदर ही था। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। कुछ नहीं, एकदम अचानक से पीछे से कुछ ऑर्डर आया उनको, तो लोगों को सबको बाहर निकालने लग गए, वो सबको बाहर निकाल दिया। पूछा नहीं आपने कि भाई हमने टिकट लिए बाहर क्यों निकाल रहे हो? कुछ अभी वो आ गई है समस्या, तो इसलिए बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ रीज़न देखे, रीज़न कोई खास उन्होंने दिया नहीं।